अच्छी स्थिति में वैद्य द्रोह निकालेंगे। इसके लिए एक वैद्य द्विध्रुव ए बी है जिसके दो आवेश माइनस क्यू और प्लस क्यू है, इनके बीच की दूरी 2L है। वैद्य द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर निरक्षी स्थिति में, निरक्ष का मतलब होता है अक्ष के लंबवत, कोई बिंदु P है जिस पर हमें वैद्य द्विध्रुव ज्ञात करना है। तो इस बिंदु P पर वैद्य द्विध्रुव ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्य द्विध्रुव निकालेंगे। तो माइनस क्यू आवेश के कारण जब बिंदु P पर वैद्य द्विध्रुव निकालेंगे तो फॉर्मूला 1/4πε0 की q/r होता है। हमें पता है वैद्य द्विध्रुव अदिश राशि है इसलिए यहाँ पर आवेश का मान हम चिन्ह सहित रखेंगे। तो 1/4πε0 के आवेश माइनस क्यू है और माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्य द्विध्रुव निकाल रहे हैं। तो माइनस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी √r² + l² समकोण त्रिभुज से निकाल लेंगे हम। इसी तरह से फिर प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्य द्विध्रुव निकालेंगे। तो 1/4πε0 के आवेश का मान क्यू है, प्लस क्यू आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी लेंगे तब भी यही आएगी √r² + l² समकोण त्रिभुज से। बिंदु P पर कुल वैद्य द्विध्रुव निकालेंगे तो दोनों विभव को जोड़ देंगे V1 + V2, V1 का मान रखेंगे, V2 का मान, दोनों की ही मान एक जैसे हैं, बस चिन्ह अपोजिट हैं इसलिए दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से निकल के आएगा V = 0। अतः यहाँ से हमें ये पता चलता है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षी स्थिति में वैद्युत विभव शून्य होता है।